हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा नाश्ता लेके आई हूँ जो आप लंच में, डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में किसी भी टाइम बनाकर तैयार कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। ये मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है और टेस्टी तो इतना कि आप जब देखेंगे तभी समझ जाएंगे। तो चलिए फिर इसको झटपट से बनाते हैं। ये देखिए, ये चावल हैं, ये दाल है और आगे चल के मैं बताती हूँ इसमें किसका यूज कर रही हूँ, ये रोटी का। तो मैं आज आपको ये ऐसा नाश्ता बताऊँगी जो दाल, चावल, रोटी और सब्जी से बन के तैयार होगा। इन सभी को ग्राइंड करना है, तो मैंने रोटी को ग्राइंड किया। अब दाल और चावल को दोनों को मिक्सी के जार में डालकर इनका भी एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए, इनका भी मैंने एक पेस्ट बना लिया है। इसमें मैं आम की चटनी बनाकर रखी हुई थी, तो वो भी मैं डाल रही हूँ। तो सारे टेस्ट मिलेंगे आपको, पूरा खाना ही मिल जाएगा सिर्फ एक नाश्ते में। अब ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका था, ये देखिए। अब मैं इसमें धीरे धीरे करके जो रोटी है वो भी मैंने ग्राइंड कर ली थी ना, वो भी डालती जा रही हूँ। तो अगर आपके बच्चे दाल, चावल, रोटी, सब्जी ना खाते हों तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये देखिए, मैंने कुछ मूंगफली ली, प्याज और कैप्सिकम ली है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ही ऐड कर सकते हैं जो भी सब्जियां पसंद करते हों। इसके बाद ही मैं बाइंडिंग के लिए इसमें ये बेसन ऐड कर रही हूँ। तो एक चम्मच, एक बड़ा ही चम्मच है और ये आधा चम्मच और मैंने इसमें ऐड किया है। मैं ये चीले बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आप इसका कटलेट या कुछ और बनाती हैं तो इसमें बेसन आप ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। सभी को अच्छे से मिक्स करें और इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। अब पैन रखा, पैन में मैंने घी डाला, इसमें राई के दाने डाले और जो व्हाइट वाले तिल रहते ना वो भी डाल दिए हैं, और इसमें मैं कड़ी पत्ते भी डाल रही हूँ। मैंने तो इसको बनाने में घी का यूज किया है, आप चाहें तो बटर या फिर आप तेल का भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, कड़ी पत्ते को भी तोड़कर डाल रही हूँ। और बैटर अगर आपका अच्छा ना हो, यानी कि गाढ़ा बैटर हो, तो आप इसमें थोड़ा पानी डालकर इसी तरह से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बैटर पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है, पैन भी गर्म है। तो चलिए फिर इसको इसी तरह से ही बना ही डालते हैं। तो आपको लग रहा होगा अभी इसमें सब्जियां तो ऐड नहीं हुई है, यानी कि जो मैंने सब्जियां ऐड की हैं वो सब्जियां नहीं हैं, मैं बनी हुई सब्जी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप सुबह खाना बनाते हैं वो बच जाए तो शाम को आप इस तरह से डिनर में इसको बनाकर तैयार करें। यकीन मानिए, हो ही नहीं सकता कि सभी लोग इसको पसंद ना करें। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है और सभी बहुत ही मज़े से भी खाएंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ धीरे धीरे करके, आप ये देखिए चेक करते जाएं और इसको पलटते जाएं। ऊपर से भी मैंने इसमें थोड़े से व्हाइट वाले तिल डाल दिए जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और आपको पता होना चाहिए तिल बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी। तो ये इसी तरह से ही आपको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अब दूसरी साइड भी मैं थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करूँगी और इसके बाद ही इसको पलट दूँगी। बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बन के तैयार होता है और आपका जो खाना बचा हुआ है उसका तो कह सकते हैं बेस्ट यूज है। अगर आप इस तरह से ये चीला बनाकर तैयार करेंगे, सभी लोग बहुत ही मज़े से खाएंगे और आपका सारा खाना ख़त्म भी हो जाएगा। बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे घर में मेरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये देखिए, मैंने बारीक कट किया हुआ प्याज, आप चाहें तो इसमें पनीर, चीज़ कुछ भी डाल सकते हैं, सॉस भी लगा सकते हैं या मीठी चटनी या हरी चटनी, कोई सी चटनी भी लगा सकते हैं। मैंने आलू और कैप्सिकम और प्याज की सब्जी बनाकर तैयार की थी, तो इसको मैश किया और ये सब्जी भी फिल कर दी। तो मेरा जो खाना बचा हुआ था मैंने डिनर में इसको बनाकर तैयार किया है और कोई समझ ही नहीं पाया कि ये मैंने किससे बनाकर तैयार किए हैं चीले। सभी लोगों ने बहुत ही मज़े से खाए हैं और सभी को काफ़ी पसंद भी आए हैं। यकीन मानिए, जब आप भी इस तरह से ट्राई करेंगे तो आपके घर में भी सभी लोग बहुत ही मज़े से भी खाएंगे। तो कह सकते हैं रोज़ रोज़ वही दाल, चावल, सब्जी खाकर अगर बोर हो गए हों तो ये देखिए कुछ नया ट्राई कर लीजिए, वो भी उसी सामान से ही। तो नाश्ता तो आपने कई प्रकार के ट्राई किए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल अलग ही तरीके से ट्राई करिए। मैंने भी जब इसको पहली बार ट्राई किया तो यकीन मानिए मुझे खुद पर ही यकीन नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने इसमें कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, फिर भी ये काफ़ी अच्छे बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसमें जो चटनी ऐड की है, अगर आपके पास चटनी ना हो तो कोई बात नहीं, मैंने जो आम, प्याज, लहसुन, अदरक जो चटनी बनके तैयार होती है ना, और साबुत उसमें लाल मिर्च डली रहती है वही डाली है। आप चाहें तो इसमें जीरा बन पाउडर या मैगी मैजिक मसाला भी ऐड कर सकते हैं या और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। इसको जितना चाहे उतना हेल्दी बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप लगाएं या मीठी चटनी लगाएं और बस इसको गर्मा गर्म सर्व करें। यकीन मानिए, हो ही नहीं सकता कि ये नाश्ता आपके घर में किसी को पसंद ना आए। अगर ये पसंद आता है तो फिर से कहूँगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके जो बताएं कि आप अपने घर में बचे हुए सामान का किस तरह से यूज करते हैं।
कोई सजेशन हो तो जरूर दें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।